Assalamu alaikum dear students, I'm Mirza Zuhair Beg and you're watching my channel, channel related to the zoology. Aaj beta hum next class jo hai phylum Mollusca ki class se padhne ja rahe hain. Us class ka naam hai class Cephalopoda aur humne ye dekhna hai ki cephalopods kaise hote hain kyunki mostly jo predatory lifestyle rakhne wale mollusc hain wo isi group se belong karte hain. Cephalopods basically do words hain. Ek word hai cephalo matlab cephalo that include the head region and the word pods mean feet. Yani ye aise organisms hote hain ki jinme jo hai wo head aur feet ka main concept hai aur ye jo class cephalopoda hai is cephalopoda class ke andar animal kon kon se hain is hawale se agar dekha jaye to bahut sari examples like yahan par share ki hi hain. Inme octopus, number 2 squid, that is also called as the largest invertebrate. The third one is a cuttlefish. And the fourth one is called as the nautili, also called nautilus. तो ये वो animals हैं जो सारे के सारे इस class cephalopoda से belong करते हैं. Habitat के लिहाज से ये सारे के सारे marine हैं, marine water habitat है जहाँ पर ये exist करते हैं. Body characteristics में, body structures में, number one पे body include the head, foot and funnel. ये तीन चीजें जरा गौर से देखिएगा कि इनमें head, foot और funnel कैसी होती है. हेड इन सिफेलोपोड्स के अंदर जो हेड होता है वो लाइन इज इन लाइन विद द विसरल मैस, यानी विसरल मैस के बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में जहां पर विसरल मैस है उसी के आगे जो है वो हेड रीजन प्रेजेंट होता है. सेकंड फुट जो है इसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो दैट इज मॉडिफाइड इनटू अ सर्कल लाइक स्ट्रक्चर और जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट होती है मॉडिफाइड इनटू अ सर्कल ऑफ टेंटिकल्स और आर्म्स एंड यूज फॉर अटैचमेंट. जैसे कि आपने ऑक्टोपस अगर देखी हो तो ऑक्टोपस के अंदर भी ये टेंटिकल्स या आर्म्स जो है वो प्रेजेंट है जिनकी वजह से ये अटैच करती है. स्क्विड के पास ये आर्म स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ये इसके अलावा ये जो है इनमें मेनली जो चीज यूज होती है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने के लिए वो टेंटिकल्स होते हैं और उसी की वजह से वो लोकोमोशन भी करते हैं और इंटीरियर पोर्शन ही मॉडिफाइड होता है इनटू द फुट. द थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ फनल. जो फनल होती है वो क्या क्या है कि देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है तो फुट विद मेंटल कैविटी इज कॉल्ड फनल. यानी फुट और मेंटल कैविटी ये कलेक्टिवली मिलके जिस चीज को बनाते हैं वो फनल है और फनल जब ये लोकोमोशन करते हैं लाइक द जेट प्रोपल्शन मूवमेंट दैट मीन इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रक्चर. सो इट प्रोवाइड द इजनेस टू मूवमेंट. This one is called as the funnel. So these are the different section जिनमें हम सबसे पहले हमने habitat देखा, फिर general characteristics में head, foot और funnel formation जो कि combination है foot और mental cavity का. Mental इनकी highly vascular होती है और mental जो है includes all the body except head and tentacles. यानी इसका head और tentacles के अलावा बाकी जितनी भी structure है वो actually mental part पे मुश्किल होती है. So this one is the initial introduction. अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे भी कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं. तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन द शेल इन सिफेलोपोड्स. सो देर आर द डिफरेंट सिफेलोपोड्स एज यू ऑलरेडी नो द फर्स्ट वन इज द ऑक्टोपस देन स्क्विड देन नॉटिलस देन कटलफिश. सो व्हाट डू यू से अबाउट द शेल इन केस ऑफ नॉटिलस. जो शेल होता है नॉटिलस के अंदर आपके सामने ये डायग्राम जो है वो शो हो रही है. दिस वन इज कॉल्ड एज अ नॉटिलस और इस नॉटिलस के अंदर ये नॉटिलस जो है इसके अंदर अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें ये बॉडी के बाहर ये कर्विंग है. दिस वन इज कॉल्ड एज अ शेल. यानी इसका शेल है और एक्सटर्नल शेल स्पेशली सिफेलोपोड्स अगर किसी में है तो वो नॉटिलस के अंदर है. नॉटिलस ओनली सिफेलोपोड्स दैट हैव द एक्सटर्नल शेल and the shell is divided by the septa and the shell is highly coiled. अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आपको ये coiling जैसे gastropods के shell coil होता है वैसे ही इसकी इसके shell की भी coiling present होती है. As you know the shell जो है वो हमेशा जैसे जैसे secrete होता जाएगा तो वो जो पहले वाला shell का part होता है वो enlarge होता जाता है और जो नए वाला होता है वो small size का होता है. और जो मतलब next जो भी पुराने वाला oldest जो सेप्टम होता है इसकी बॉडी का वो उसमें से बॉडी निकल के न्यूएस्ट सेप्टम की तरफ मूव करती है. दैट मीन जो ओल्डेस्ट सेप्टम होता है वो एम्प्टी होता जाता है
और वो एम्प्टी स्ट्रक्चर वाला एक्सटर्नल शेल प्रॉपरली बॉडी को सराउंड कर लेता है. चैम्बर्स आर फ्लूइड फिल्ड एंड दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड साइफंकल. बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज साइफंकल. साइफंकल ये है कि इनके जो बॉडी के अंदर शेल के अंदर एक प्रॉपर कॉर्ड ऑफ टिश्यू होती है जो बॉडी में से पास कर रही होती है, और उस कॉर्ड ऑफ टिश्यू को के अंदर अक्सर वाटर प्रेजेंट होता है, और इसी वाटर के थ्रू जो है ये जो है मुख्तलिफ फ्लूइड अब्सॉर्ब करते हैं. इसी वाटर के थ्रू जो है ये अपने मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें डंप करते हैं उस साइफंकल रीजन में, और गैसेस का एक्सचेंज भी जो है वो इसी साइफंकल के थ्रू होता है. द रोल मेन रोल ऑफ द गैशियस स्टोरेज इन दिस साइफंकल इज to provide the buoyancy. Buoyancy कहते हैं उछाल की कुवत, यानी जैसे आपने फिशीज के अंदर स्विम बिलेटर पढ़े वैसी जो नॉटिलस है उनके अंदर ये जो साइफंकल जो है buoyancy में रोल प्ले करती है गैसियस चैम्बर की वजह से. नंबर टू पे है जी केटल शेल इन केटल फिश. केटल फिश एक ऐसी मतलब सिफेलोपोड है कि जिसके अंदर इंटरनल शेल होता है, और ये इंटरनल शेल जो है इसमें प्रेजेंट है. इट लेड डाउन इन थिन लेयर्स एंड लीव्स स्मॉल गैस वेसिकल स्पेसेस टू इंक्रीज buoyancy. कटल फिश शेल इज कॉल्ड कटल मोन. ये एक एमसीक्यू आता है. ये आपके सामने एक कटल फिश है. इट इज वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल इन इट्स अपीयरेंस. और इस कटल फिश के अंदर जो है वो एक इनर शेल होता है जिसे कटल बोन बोलते हैं. मेनली वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और उसका पाउडर जो पाउडर होता है वो मुख्तलिफ तरह के मतलब purposes के लिए use होता है, like polishing of the different material जो है. और number two पे जो pet होते हैं, different pet animals birds होते हैं, उन pet birds की food supplement के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो diet purpose के लिए भी इस्तेमाल होता है. Next one है जी shell. In the next this squid here is a reduced shell is present. और अगर आप इस diagram के अंदर observe कर लें तो आपके सामने ये एक स्क्विड है, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी है. ये जो स्क्विड है इसमें रिड्यूस शेल प्रेजेंट होता है, और बाकी जो टेंटिकल्स वगैरह होते हैं बॉडी के बाहर होते हैं. इंटरनल काइटिनस स्ट्रक्चर होती है जिसे पेन बोलते हैं, एंड पेन एक्ट एज अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिड्यूस शेल. सो स्क्विड के अंदर जो है वो कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं. अगर इसके इंटरनल रीजन को देखें तो कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं, वो मुख्तलिफ तरह की बॉडी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, जो जैसे कि मेंटल है, नेक है और हेड है, तो उसके हवाले से भी ये काफी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है स्क्विड्स के अंदर. शेल इन ऑक्टोपस. ऑक्टोपस इज द ओनली सेफेलोपोड इन विच शेल इज एब्सेंट. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके सामने ये एक ऑक्टोपस है, और ऑक्टोपस ऑक्टा द वर्ड ऑक्टा स्टैंड फॉर एट बिकॉज एट आर्म्स और टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ ऑक्टोपस, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज द ऑक्टोपस. सो दीज आर द डिफरेंट सिफेलोपोड्स इन विच द शेल डिफरेंट काइंड ऑफ शेल आर प्रेजेंट, और इन सम केसेस द शेल इज एब्सेंट. मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वन हमने नॉटिलस के अंदर पढ़ा, एक्सटर्नल शेल होता है और वो जो है वो सेप्टम में डिवाइड होता है, एक परफोरेटेड ट्यूब होती है बॉडी के अंदर जिसे साइफंकल बोलते हैं, उसी के थ्रू एक्सचेंजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं. सेकंड पे हमने पढ़ा शेल इन केस ऑफ कटलफिश. कटलफिश के अंदर हमने देखा कि इंटरनल शेल है, और वो इंटरनल शेल जो है उसे कटल बोन भी बोलते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और वो पेट बर्ड्स के लिए एक फूड सप्लीमेंट भी है. नंबर थ्री पे हमने देखा कि द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट के अंदर शेल जो है जिसमें स्क्विड है, स्क्विड जो है रिड्यूस शेल है, और उसको पेन भी बोलते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है एज यूजुअल बाकियों की तरह, लेकिन ये इंटरनली ये डिफरेंट जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है. एंड द लास्ट वन इज द शेल इन ऑक्टोपस इन विच द शेल इज एब्सेंट. सो व्हाट डू यू से अबाउट द नेक्स्ट हेडिंग. द नेक्स्ट हेडिंग इज द लोकोमोशन इन केस ऑफ सिफेलोपोड्स. हाउ दे मूव, हाउ द सिफेलोपोड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिफेलोपोड्स द लोकोमोशन पैटर्न इज डिफरेंट, but mainly the jet propulsion system is present in these cephalopods. Like if you observe the locomotion in cuttlefish and squid, mantle of cephalopods jo hoti hai uske andar do tarah ke muscles hote hain. Ek muscles hote hain radial muscles, aur dusre muscles hote hain circular muscles. Sabse pehle ye circular aur radial muscles jo hote hain ye actually जो वेल्व होता है बॉडी के अंदर, जो वेल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इन्वॉल्व होता है.
और इस सारे केस के अंदर एक्चुअली जो मेंटल कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि दो तरह के जो मसल्स हैं उनमें से अगर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मेंटल कैविटी होता है उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। जब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसके वॉल्यूम डिक्रीज होने से जो कॉलर लाइक जो वेल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, यानी वो वेल्व बंद हो जाते हैं, और जब वो बंद होते हैं तो वो वाटर के आउटफ्लो को बाहर निकलने से रोकते हैं। वेन वाटर लेकिन जब वाटर फोर्स आउट मतलब जब वो क्लोज हो रहे थे वेल, तो पानी बड़ी तेजी से उससे फोर्स आउट करता है, लेकिन जो बाकी पानी बचता है उसको वो रोक लेते हैं। मसल्स अटैच्ड टू द फनल कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ एनिमल। इसी दौरान जब पानी बाहर निकलता है तो उस दौरान बॉडी को थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्शन जो है कॉन्ट्रेक्शन मिलती है, और उस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बॉडी थोड़ी सी पुश होती है, और उस पुश होने के साथ साथ जो है मतलब जो मसल्स हैं उसकी फनल के साथ अटैच हैं, लाइक इन केस ऑफ दीज एनिमल्स जो फनल्स हैं उसके साथ साथ जो मसल्स हैं वो एक्चुअली एनिमल की लोकोमोशन के दौरान उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ रेडियल मसल कॉन्ट्रेक्शन, इन केस ऑफ सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन द मेंटल कैविटी वॉल्यूम इज डिक्रीज, बट इन केस ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द रेडियल मसल्स द वॉल्यूम ऑफ द मेंटल कैविटी इंक्रीजेज। दैट ब्रिंग द वाटर इन टू द मेंटल कैविटी, जिसकी वजह से पानी जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर आते हैं, और जब पानी मेंटल कैविटी के अंदर आते हैं तो वो जो है पोस्टीरियर इनका जो फिन होता है इनके अंदर, लाइक इन केस ऑफ स्क्विड्स जो है इनके जो पोस्टीरियर फिन है उसको स्टेबलाइज करता है, और प्लस वो प्रोपल्शन प्रोवाइड करता है, और साथ में ही वो जो पोस्टीरियर फिन है वो एक्चुअली स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी एट अ टाइम पोस्टीरियर फिन ऑफ द बॉडी जो है वो तीन तरह से रोल प्ले कर रहा होता है। नंबर वन, बॉडी को स्टेबलाइज भी कर रहा है, वो बॉडी की को प्रोपल्शन भी दे रहा है, और नंबर थ्री पे वो स्टीयरिंग भी करता है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स इन सिफेलोपोड। इफ यू डिस्कस अबाउट द लोकोमोशन इन केस ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इज सीडेंटरी एंड यूज जेट प्रोपल्शन, लाइक सेम मूवमेंट आल्सो डिस्कस इन द अबव केसेस इन द कटलफिश एंड स्क्विड, सो बट इट हैव द स्पेशल काइंड ऑफ टेंटिकल्स, सो टेंटिकल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द क्रॉलिंग। व्हेन इट मूव ऑन द सबस्ट्रेट द टेंटिकल्स आर वेरी हेल्पफुल। टेंटिकल नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द लोकोमोशन, दे आर आल्सो प्ले अ रोल इन देयर फीडिंग एंड ऑफेंस एंड डिफेंस बिहेवियर। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द फीडिंग एंड डाइजेशन इन सिफेलोपोड्स। फीडिंग एंड डाइजेशन इन सिफेलोपोड्स में हम नंबर वन पे जो इनमें करेक्टर देखते हैं, बिकॉज दे हैव अ प्रीडेटरी लाइफस्टाइल, सो अ वेरी शार्प स्ट्रक्चर, वेरी शार्प डिफेंसिव बॉडी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दीज केसेस। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द प्रे? द फर्स्ट स्टेप इज अ लोकेटिंग एंड कैप्चरिंग प्रे। सो व्हाट इज लोकेटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ द प्रे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सिफेलोपोड जो होता है वो आईज की मदद से अपने प्रे को लोकेट करता है, और जब उसने उसको कैप्चर करना होता है तो टेंटिकल्स को यूज करते हैं, एंड द टेंटिकल्स कंटेन द एडहेसिव कप्स, बिल्कुल ऐसी जैसे आपने ऑक्टोपस, इससे पहले अगर आप ऑक्टोपस वाले टॉपिक की तरफ मतलब आप मूव करते हैं तो ऑक्टोपस को अगर आपने देखा हो तो ऑक्टोपस जो होती है वो बेसिकली उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं और टेंटिकल्स के ऊपर एडहेसिव कप्स होते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनकी जो हेलमेट होता है उसके साथ जो है वो अटैच होकर कर लेती है अपने टेंटिकल्स को, और इस तरह उसके हेलमेट को विरिंग डाउन करती है। बट ये उसका बिहेवियर बाकी सिफेलोपोड्स में भी देखने को मिलता है। इन स्क्विड्स, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्क्विड्स, द मार्जिन्स इन स्क्विड्स मार्जिन्स रीइंफोर्स्ड बाय प्रोटीन और पुसेस हुक्स, लेकिन स्क्विड्स जो है उनमें स्पेशली हुक्स प्रेजेंट होती है, जो टेंटिकल्स जो है हुक लाइक स्ट्रक्चर पर आ लेते हैं और इससे भी अपनी प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। द सेकेंड वन इज अबाउट द जॉज एंड रेडुला। ऑल सिफेलोपोड्स हैव जॉज एंड रेडुला, जितने भी सिफेलोपोड्स हैं उनमें जॉज भी हैं और रेडुला भी है। एज यू नो द जॉ इन केस इन इन देयर केसेस द जॉ इज अ पावरफुल स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज यूज फॉर द टीयरिंग ऑफ द फूड, लाइक यू द ह्यूमन बींग टीयर द फूड, एंड जस्ट लाइक दैट दे कैन इजिली टीयर द फूड। सो द नेक्स्ट वन इज द रेडुला, ऑलरेडी यू नो दिस वन इज अ रेस्पिंग स्ट्रक्चर एंड फोर्स द फूड इन टू द माउथ, और यू कैन से दैट ओरल कैविटी।
सो व्हाट इज द फूड ऑफ सिफेलोपोड्स? डिफरेंट जो सिफेलोपोड्स हैं उनका फीडिंग हैबिट भी डिफरेंट है. लाइक अगर आप कटलफिश और नॉटिलस की बात कर लें तो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो उनकी खुराक बनते हैं. अगर आप ऑक्टोपस की फूड देखें तो लार्ज नंबर ऑफ जो है प्रे के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, जैसे कि स्नेल ज्यादातर फिश है, डिफरेंट क्रस्टेशियंस जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं वो इसकी खुराक बनते हैं. और ये मोस्टली ऑक्टोपस जो है नॉक्टर्नल होते हैं और अपने सलाइवरी ग्लैंड को भी यूज करते हैं टू इंजेक्ट द वेनमस मटीरियल इन टू द प्रे, और उसकी वजह से प्रे पैरालाइज हो जाता है और इजी टू हैंडल और इजी टू फीड हो सकता है. नेक्स्ट वन इज द स्क्विड फीडिंग ऑफ द स्क्विड. What is the nutrition of squid? Squid जो है वो fishes के ऊपर, shrimps के ऊपर, या जो young sperm whales हैं मछलियाँ, ये whale जो है sperm whale जो है उसके ऊपर depend करती है. और ये हमेशा squid जो है ये अपनी bite करती है और biting से उसको kill कर देती है. Very strong jaws are present in these animals. So what's about the digestion? Or you can say the digestive process. डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो मस्कुलर है इनका डाइजेस्टिव ट्रैक टोटली, और उसमें पेरिस्टालसिस जैसे मूवमेंट होती है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, और पेरिस्टालसिस को रिप्लेस कर रहा होता है इसकी सीली मूवमेंट. यानी जो खुराक है वो बजाय के पेरिस्टालसिस, दैट इज अ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक दैट पुश द फूड टुवर्ड द नेक्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी. इन दीज केसेस द डाइजेस्टिव peristalsis contractions are absent, so cilia propels the food to the next part of the body. So first one is the food from ye jo food hoti hai inke mouth se enter hoti hai, esophagus se hoti hai, esophagus stomach mein pahunchti hai. Stomach jo hai wo further divided hota hai cecum ke andar, aur iske alawa ye extracellular digestion dekhi jati hai inke stomach mein, inke cecum ke andar bhi digestion hoti hai, aur wahan se digestive enzymes pour kiye jate hain, especially jo cecum hai वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करती है और इस तरह खुराक की डाइजेशन हो जाती है. जो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है वो इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है, वहां से कुछ चीजें अब्सॉर्ब कर ली जाती हैं, देन वो फूड अनडाइजेस्टिड मटेरियल एनस के थ्रू होते हुए फनल से, और फनल से देन एक्सहेलेंट जो कैविटी है, एक्सहेलेंट ट्यूब जो है, वाटर थ्रू द मेंटल कैविटी, यानी वो मेंटल कैविटी से होती हुई एक्सहेलेंट ट्यूब के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है. सो दिस वन इज द डाइजेशन इन केस ऑफ सिफेलोपोड्स. नेक्स्ट जी इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखा जाए तो जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ रखा है, मैंने जब आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रोपोड पढ़ाए थे तो उसमें ये बात पहले बता चुका था कि बेटा ये जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एक फाहद क्लास जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, आज हम उसी क्लास को पढ़े हैं जिसका नाम है क्लास सिफेलोपोडा. और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें ब्लड कन्फाइंड इन द ब्लड वेसल्स. आप जानते हो कि ह्यूमन बींग भी जो है उनकी भी जो है वो ब्लड ब्लड वेसल्स में कन्फाइंड होता है. आर्टरीज और वेन्स जो है वो कनेक्टेड होती है कैपिलरीज की मदद से, और कैपिलरीज आर यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ द वेस्ट and the absorption of the nutrients. So this one is about the circulatory system. What do you say about the structure of heart? Agar aap iski structure dekhe to heart jo hai do auricles aur ek ventricle mein mushtamil hai, different contractile arteries hain jinhe branchial heart bhi bolte hain. Ye branchial heart bhi jo hai wo blood ko push karta hai aur ye gills ki base pe present hai, aur wahan se jo blood circulate karta hai through the gills, और मतलब जब ये ब्रांचियल हार्ट जो चैम्बर्स होते हैं, जो आर्टरीज होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है इनका नर्वस सिस्टम बाकी इनवर्टिब्रेट से थोड़ा डिफरेंट है. डिफरेंट होने की वजह ये है कि हाईली डिवेलप्ड ब्रेन जो किसी और ग्रुप में किसी और इनवर्टिब्रेट में शायद प्रेजेंट नहीं है, जो इनके अंदर प्रेजेंट है. इस ब्रेन फॉर्मेशन जो है वो गैंग्लियन की फ्यूजन से हुई है. ब्रेन करता क्या है, या जो गैंग्लियन है, जो फ्यूज फॉर्मिंग गैंग्लियन है, इनका रोल क्या क्या है? पहला रोल है कि मसल की कॉन्ट्रेक्शन, बॉडी में जितनी भी मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रही है वो सारी की सारी ये ब्रेन कंट्रोल कर रहे हैं. सेंसरी परसेप्शन, अपने प्रीडेटर को फाइंड आउट करना, सकर्स की क्लोजिंग होना, पानी में स्विमिंग करना, इवन मेमोरी को स्टोर करते हैं. आपने इससे पहले सुन रखा होगा कि एक फुटबॉल वर्ल्ड कप था, उस दौरान एक ऑक्टोपस थी जो चूज करती थी विनर और लूजर का,
और इंटरनेशनल फुटबॉल वर्ल्ड कप में उसने चूज किया और जिस चीज पे जो उसने प्रिडिक्ट किया, जिस चीज प्रिडिक्ट के प्लेइंग कार्ड को उठाया दो कंपेटिटर्स के दरमियान जो होने वाला फुटबॉल मैच होता था, तो वो वाकई विन करता था। इसको जो सिखाया जाता है, ये लर्निंग प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग है, इवन कहते हैं कि ये इतनी स्ट्रांग मेमोरी रखती है कि अगर आप एज अ स्क्यूबा डाइवर जो है वो पानी में जाते हैं और आपने मतलब अपने इसने आपको ग्रैब कर लिया और आपने इसके कोई आर्म कट कर दिया और इसने आपको ऑब्जर्व कर लिया, आपकी आईज ऑब्जर्व कर ली, तो कहते हैं कि ये अगर आप सेकेंड टाइम वहां पर जाते हैं पानी के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका उसके साथ सामना हो और वो अपना उसी मेमोरी जो स्टोर की हुई ब्रेन में वो उसको रिकॉल करे और देन आप पर ज्यादा शिद्दत के साथ जो है वो अटैक कर दे। सो बिवेयर फ्रॉम द ऑक्टोपस और सिफेलोपोड्स। सो व्हाट इज द नेक्स्ट अबाउट इट्स नर्वस सिस्टम। डिफरेंट सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, लाइक अगर इनकी आईज देखें तो ऑक्टोपस की आईज जो है, ऑक्टोपस हो गया, किटल फिश होगी, स्क्विड हो गया, इन सब की आईज जो है वो सिमिलर है। इन सब की आईज का एक जैसा होना इन सब एग्जांपल में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। आप जानते थे दो तरह की एवोल्यूशन, एक कन्वर्जेंट है और एक डाइवर्जेंट। जब बहुत सारे एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स आपस में मिल रहे हो तो वो ये शो करते हैं कि दे आर कन्वर्ज्ड, दे शोज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इनके अंदर ब्लाइंड स्पॉट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा बेसिकली स्पॉट होता है जो कि जब हम उसको देखते हैं तो बेसिकली वो रेटिना, मतलब रेटिना के अंदर हम कहते हैं कि नर्व सेल्स का कॉम्बिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है ब्लाइंड स्पॉट। नो ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट इन सेफेलोपोड बिकॉज नर्व सेल लीव द आई फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द आई बॉल, यानी आई बॉल्स के पिछली जानब से नर्व सेल्स जो है वो लीव करते हैं आईज को। अगर वो इनसाइड द आई बॉल करें तो देन ब्लाइंड स्पॉट जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। ब्लाइंड स्पॉट, इज ब्लाइंड स्पॉट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज अ रीजन ऑफ रेटिना, रेटिना का वो रीजन वेयर नो फोटो रिसेप्टर एग्जिस्ट ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ नर्व सेल्स इनटू ऑप्टिक नर्व, यानी ये रेटिना का वो रीजन जहां पर बहुत सारी नर्व सेल्स जो है वो कन्वर्ज होते हैं ऑप्टिक नर्व, मतलब कन्वर्ज हो जाते हैं ऑप्टिक नर्व के करीब। जो ऑप्टिक नर्व होती है वो बहुत सारी नर्व्स जो है इकट्ठी होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है और वो आगे सिग्नल ऑप्टिक नर्व तक पहुंचता है। ये जो कनेक्शन है अगर किसी में नहीं है तो इसका मतलब वो ब्लाइंड स्पॉट एब्सेंट है, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि चूंकि इसकी नर्व सेल एक स्पॉट पे इकट्ठी नहीं होती, चूंकि एक स्पॉट पे इकट्ठी नहीं होती इस वजह से इनमें ब्लाइंड स्पॉट एब्सेंट है। When light falls on blind spot, no image formation occur. जब भी light blind spot पे पड़ेगी तो image नहीं बनेगा। Focusing like many vertebrates, cephalopods focus by moving lens forward and backward. जैसे हम मतलब बहुत सारे vertebrates हैं वो अपने lens को forward backward करते हैं, अगर दूर की चीज़ हो तो lens की position कुछ और रही है और करीब की चीज हो तो पोजीशन ऑफ लेंस डिफरेंट होगी। तो ऐसे ये भी अपने जो है वो लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं, चीजों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनका साइज ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी शेप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो किस रंग की है वो देख सकते हैं। इतना वर्सटाइल किस्म की इनकी आई फोकसिंग मैकेनिज्म है। व्हाट डू यू से अबाउट नॉटिलाइड आई? नॉटिलाइड आई जो है दोस आर लेस कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर बहुत सारी चीजें एब्सेंट है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। They like lens and it acts as a pinhole camera. जैसे एक pinhole camera होता है वैसे ही act करता है और इनमें lens present नहीं होता। Stetosis, आप जानते हो gravity को response करते हैं और present in the cartilaginous structure in the body. Ospheridia जो है वो भी present है, olfactory system के हवाले से important है। सिर्फ ospheridia अगर present है तो जितने भी cephalopods हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ nautilus के अंदर present है। Tactile receptor पूरी body में present है, कीमोरिसेप्टर पूरी बॉडी में प्रेजेंट है जो केमिकल को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। क्रोमेटोफोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी क्या जो है सिफेलोपोड्स है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यस और नो? तो इसका आंसर आज देता चलूं कि वाकई सिफेलोपोड्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं, वो अपने हैबिटेट से भी मिमिक कर सकते हैं। क्रोमेटोफोर्स बेसिकली दीज आर द कलर पिगमेंट्स एंड दे दीज कलर पिगमेंट्स इफ द कलर दीज की कलर पिगमेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन एनी एनिमल, so that mean chromatophores are present. ये कैसे chromatophores हैं, कैसे कलर शो होते हैं, जरा इसका mechanism समझिएगा। कुछ small muscles होते हैं जो pigment cells के साथ अटैच होते हैं।
जब क्रोमेटोफोर्स एक्सपेंड होते हैं, यानी वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पिगमेंट सेल्स के पास वो मसल्स हैं, उसकी वजह से जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ये पिगमेंट सेल्स जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करें उनको पिगमेंट सेल्स को ज्यादा एरिया मिल रहा है, जिसकी वजह से क्रोमेटोफोर्स एक्सपेंड कर देंगे। जब क्रोमेटोफोर एक्सपेंड करेंगे तो एनिमल का कलर चेंज हो जाएगा। अलार्म रिस्पॉन्स मतलब ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये यूज होते हैं मुख्तलिफ अलार्मिंग कंडीशंस में, जैसे कलर चेंजेस जो है इंक डिस्चार्ज मैकेनिज्म इनमें देखा जाता है सिफेलोपोड्स में। डिफेंसिव प्ले, ये फ्लिकरिंग पैटर्न हो सकता है बॉडी पूरी के ऊपर, एक फ्लिकरिंग पैटर्न कलर का सडनली चेंज होना फ्लिकर फॉर्म में, टिमटिमाते हुए मूव करते हुए कलर चेंजेस, ब्लेंड विद बैकग्राउंड, यानी जो कलर चेंजेस होता है वो अपने आप को छुपाने के लिए प्रेडेटर से बैकग्राउंड जैसा मैचिंग कलर आ जाता है इनके ऊपर ले आते हैं। कलर चेंजेस इंपॉर्टेंट टू कोर्टशिप डिस्प्ले, यानी जब इन्होंने कोर्टशिप का बिहेवियर शो करना होता है, दैट इज देयर इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट पार्टनर फॉर द रिप्रोडक्शन। और एंड बायोल्यूमिनेसेंस, दे दीज कलर पिगमेंट्स आल्सो इन्वॉल्व टू क्रिएट द बायोल्यूमिनेसेंस, यानी एक रोशनी सी क्रिएट करते हैं जो अपनी स्पीशी को अट्रैक्ट करती है। इंग्लैंड्स एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू से अबाउट इंग्लैंड्स? जितने भी सिफेलोपोड्स हैं उन सभी के अंदर इंग्लैंड्स प्रेजेंट है, और वो बिल्कुल एनस के बिल्कुल करीब, जस्ट बिहाइंड टू द एनस, ये इंग्लैंड प्रेजेंट है। ये इंग्लैंड जो होता है इसके अंदर बेसिकली पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट जो है वो मेलानिन पिगमेंट है, और ये इसको ब्लैक और ब्राउन कलर जो है बेसिकली ब्लैक और ब्राउन कलर के अंदर ये मतलब कलर शो करता है। और रोल क्या है इंग्लैंड कब रिलीज करते हैं? जब भी कोई प्रेडेटर की तरफ आता है, सडनली एक मतलब एक स्क्विड है और उसकी तरफ एक प्रेडेटर आ रहा है, तो जब उसका प्रेडेटर उसकी तरफ आता है तो वो अपने डिफेंसिव बिहेवियर के तौर पे इंग्लैंड जो होता है उसको कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से इंक बाहर निकलती है, वो कलर बाहर आता है, और सारा जो पैटर्न होता है, सारा जो वाटर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो उसको चकमा देगी वहां से निकल जाती है, मतलब वो उसको इजीली वहां से मूव आउट कर जाती है, और इस तरह अपने आपको बचा भी लेती है। प्रेडेटर जो है वो ब्लाइंड लाइक कुछ देर के लिए ब्लाइंड रहता है, क्योंकि सामने जो जितना भी मीडिया होता है वाटर मीडिया वो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो चुका होता है। तो ये आ जाता है जी इनको डिस्चार्ज करना। इसी तरह सेप्यूला इसकी एक एग्जाम्पल है, वो क्या करता है, वो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उसके क्रोमेटोफोर्स हैं वो स्किन को डार्क कर देती है और ब्लेंड कर देते हैं अपने जो भी हैबिटेट है, इस तरह वो प्रेडेटर से बच के बाहर निकलते हैं। तो कितना खूबसूरत सा मैकेनिज्म दिया है अल्लाह ताला ने, हर एनिमल को अपना डिफेंस के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर दिए, जैसे कि आपने इनमें भी देख लिया कि ये भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर रखते हैं। लास्ट हम पढ़ते हैं जी कि सिफेलोपोड्स के अंदर रिप्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट, सिफेलोपोड्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन और डिवेलपमेंट कैसे होती है? नंबर वन डाइशियस है और गोनेड्स हैं, वो विसरल मैस की डॉर्सल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द डॉर्सल पोजीशन ऑफ द विसरल मैस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो टेस्टिस पे मुश्तमिल है, पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स हैं, दैट मीन द स्पर्म्स इनक्लोज्ड इन द स्पेसिफिक पैकेट्स, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द स्पर्मेटोफोर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे बल्कि सिफेलोपोड्स ऐसे हैं जिनमें हेक्टोकॉटिलस है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, खासतौर पे जैसे ऑक्टोपस की बात कर लें, आप स्क्विड की बात कर लें, जब वो अपने स्पर्म्स को ट्रांसफर करते हैं तो उनका कोई एक टेंटिकल जो है वो एज अ स्पर्म ट्रांसफरिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है। द टेंटिकल इन मेल सिफेलोपोड यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्मेटोफोर इज कॉल्ड एज अ हेक्टोकॉटिलस, यानी वो टेंटिकल जो होगा वो हेक्टोकॉटिलस कहलाएगा जो स्पर्म ट्रांसफर करेगा। हेक्टोकॉटिलस इन लोलाइगो एंड सेपिया, सेपिया इज अ कटल फिश। Hectocotylus has several rows of smaller suckers capable of spermatophore picking, यानी इसी तरह जो opposite gender होगी, opposite sex होगा, वो मतलब वो भी अपनी जो है tentacles को के ऊपर suckers रखता है, और suckers की वजह से वो spermatophore को pick कर लेगा। Copulation कैसे होती है? Male और female tentacles जो है वो आपस में intertwine करते हैं, वो एक दूसरे के intertwine करते हैं, और इस तरह से जो है spermatophore जो है वो रिमूव कर लिए जाते हैं मेल की मेंटल कैविटी से। और मेल बेसिकली करता क्या है कि मेल जो है वो अपना हेक्टोकॉटिलस जो है वो फीमेल की जो मेंटल कैविटी है उसमें इंसर्ट करते हैं।
any hectocotyledons can be inserted into the female mental cavity. So through this pattern, it deposit its sperms near to the its mental cavity, and at very near to this mental cavity, there is a oviduct is present in the female cephalopod, और इस तरह से स्पर्मेटोफोर्स है वो जैकुलेटरी मैकेनिज्म से स्पर्म रिलीज होते हैं, और जैसे एक बेसबॉल बैट शेप कैप्सूल होता है, मतलब इनमें बनता है जिसके थ्रू ये रिलीज हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है मुश्किल है ओवरीज पे, और ओवरीज आप जानते हैं कि एग्स प्रोड्यूस करती हैं, एक लार्ज योक एग प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ ग्लैंड होते हैं जेल सीक्रेटिंग ग्लैंड जो उसको जो जेल है उसको कवर कर लेती है उस एग को। फर्टिलाइजेशन में इसके एग्स होते हैं, एग्स जो है वो फर्टिलाइज होने के बाद ओविडक्ट के करीब होते हैं, वहीं पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और बाद में वो स्ट्रिंग की फॉर्म में एक रस्सी की फॉर्म में जो है वो सारे के सारे फर्टिलाइज एग्स जो है वहां पर रिलीज करते हैं। और एक ऑक्टोपस जो है वो अपनी बॉडी से जब उस फर्टिलाइज एग्स को रिलीज करती है तो किसी को डेन बनाती है, छोटा सा मट्टी जो पानी के अंदर जो है सॉइल के अंदर एक छोटा सा होल बनाती है, और उस होल के अंदर अपने सारे फर्टिलाइज एग्स लॉन्च कर देती है। डेवलपमेंट सिफेलोपोड डेवलप इन टू एग मेम्ब्रेन हैचिंग मिनिएचर एडल्ट एंड यंग्स नॉट केयर्ड। दैट मीन कि जो सिफेलोपोड्स होते हैं उसके एग्स जो है उसके एग मेम्ब्रेन जो है उसकी केयर कर रही होती है, उसकी कवरिंग होती है एग्स की, और उसी से उसको रप्चर करने के बाद जो है स्मॉल जो सिफेलोपोड्स हैं न्यू बॉर्न सिफेलोपोड्स हैं वो बाहर निकलते हैं और वो अडल्ट चेंज हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान जब वो यंग मतलब हैचिंग होती है यंग की, तो कभी भी पेरेंट्स उसकी केयर नहीं करते। आपने बहुत सारे बर्ड्स के अंदर भी ये बिहेवियर देखा होगा, इसे जो है प्रीकॉशियल बिहेवियर भी बोलते हैं। सो ये था जी टोटल जो है सिफेलोपोड्स, क्लास सिफेलोपोडा क्या है। किसी भी तरह के क्वेश्चन करने के लिए मेरे साथ ज़ाबता जरूर कीजिए और इसमें रिमार्क्स दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी आप इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा ज़ुहैब बेग, अल्लाह हाफिज़।